अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया गूगल ADX के अप्रूवल कैसे लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने और वाइट कंपनी के थ्रू हमने ADX का अप्रूवल लिया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एड्स का सेटअप कैसे कर सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ मल्टीपल कस्टमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ADX का और राइट ADX का अप्रूवल मुझे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 85% मेरे पास होगा, 15% वो अपने पास रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप एडेक्स एक्सचेंज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। तो ये भी अप्रूव्ड है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना ADX टैक्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को पब्लिशर ID दी गई है उसको कॉपी करना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने जाना है ब्लॉगर के ऊपर, ठीक है। मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। और कस्टम ADX टेक्स्ट को यहाँ पे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा आप लोगों ने इसको रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है। रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा से आप लोगों ने यहाँ पे जाना है गूगल एड मैनेजर में, और यहाँ पे आप लोगों ने जाना है एड यूनिट वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। नहीं सॉरी, ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और न्यू ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है गूगल, ठीक है। तो गूगल हम लोग लिख देते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में भी आप लोगों ने सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है ADX, और एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गूगल, ठीक है। तो गूगल को हम लोग जैसे लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने इंटर कर दिया। अब आप लोगों ने नीचे आ जाना है, ठीक है, और सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स के टाइप आ चुके हैं, एक डिस्प्ले ऐड है, ठीक है, एक वीडियो और ऑडियो ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेटअप कर लेते हैं डिस्प्ले एड्स का। तो यहाँ पे जो नेम है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड वन, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइमिंग है उसको आप लोगों ने ऐड एक्सचेंज वाला ऑप्शन वाला सेलेक्ट कर देना, ठीक है। इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो टाइमिंग है स्टार्ट टाइम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इमीडिएटली कर लेना है, और एंड टाइम में अनलिमिटेड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे सेव वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इसका भी सेटअप हो चुका है, ऑर्डर भी हम लोग लगा चुके हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट वाला ऑप्शन देख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोबारा से ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, ठीक है, और सॉरी हाँ दोबारा से वो ऑर्डर वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे ड्राफ्ट में आप लोगों को देख रहा होगा, यहाँ से आप लोगों ने सॉरी ये मैंने एक और सेलेक्ट कर दी, ये जो टॉप पर आप लोगों को देख रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही अप्रूव होगा उसके बाद आप लोगों ने जाना है यहाँ पे एक और ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ऐड यूनिट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नया ऐड वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एड्स का साइज़ भी आप लोगों ने नोट करने का, कौन से एड्स आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का नाम आप लोग दे सकते हैं ऐड का, ठीक है। और यहाँ पे कोड में भी कुछ नहीं लिखना, और नीचे आप लोगों ने आना है साइज़, ठीक है। साइज़ क्या देना है, 750x300, ठीक है। अब नीचे आप लोगों ने आके इसको जस्ट सेव कर देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आगे। सेव करने के बाद यहाँ पे टैग्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नीचे आके इसको दोबारा से कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे जो कॉपी टैग, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट दी गई है इसको कॉपी करनी है, ठीक है। और आप लोगों ने जाना है ब्लॉगर वाले वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, जो पोस्ट आप लोगों ने की हुई है, ठीक है। और इसको HTML व्यू में कर देना है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में हेड वाला ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक और सेटिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी सेटिंग है, लिंक अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है, और इनकमिंग एड एक्सचेंज वाले ऑप्शन यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, डिस्प्ले एड्स को, ठीक है। मोबाइल वाले ऐप्स को मैं अगली वीडियो में बताऊँगा उसको कैसे इनेबल करना है। यहाँ पे आप लोग व्यू ब्लॉग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ से आप लोगों ने जो ब्लॉग है आप लोगों का उसको का लिंक आप लोगों ने कॉपी कर देना है, जो वेबसाइट आप लोगों ने अभी बनाई है ब्लॉग के ऊपर और एड्स पुट किए, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी और ब्राउज़र में जाना है, तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर देता हूँ, और यहाँ पर जो लिंक है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक को मैंने जैसे ही पेस्ट किया, यहाँ पर मैं रीड मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ,
तो आप लोगों के सामने स्टार्टिंग में ही एड्स शो हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं एड्स शो हो चुका है लाइव प्रूफ के साथ दोस्तों। और एंड में भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक एंड में ऐड होगा और एक स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आप अपनी मर्जी के साथ एड्स पुट कर सकते हैं साइड बार पे, राइट बार पे। ठीक है, तो यही मेथड था दोस्तों जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एडसेंस पे लोडिंग कैसे करनी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।